अगर ये मिक्स नहीं होगा, अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगी ना बच्चे, तो ये आपका जो है आर्टिकल जो है कभी हार्ड नहीं होगा, और वो फिर बार बार उसको खराब, जैसे एक नॉर्मल जो क्ले होती है ना वैसे हार्ड नहीं होता है जैसे, तो वैसे ये क्ले भी हार्ड नहीं होगी। तो आपने ध्यान रखना है अच्छे से ये क्ले मिक्स हो जाए। देखो अभी भी ना इसमें जैसे ये डबल शेड दिख रहा है, इसका मतलब कि ये नहीं मिक्स हुआ है, क्योंकि एक क्ले जो है हमारा व्हाइट कलर का होता है इसमें, और एक थोड़ा ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टिकी होता है क्ले, आपने थोड़ा पाउडर हाथ पे बार बार इसको लगाना है, ताकि आपका जो क्ले है हाथ पे नहीं चिपके। ये पाउडर को क्ले में बिल्कुल नहीं मिक्स करना, हाथों पर लगाना है। कोई भी टेलकम पाउडर आप ले सकते हो, कोई भी जो छोटा 10 रुपीज वाला आता है, कोई पुराना है एक्सपायरी है, तो सिर्फ इसका पर्पस यही है कि हाथ पे आपका क्ले नहीं चिपकेगा। आप इसे बॉटल के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। और जैसे बॉटल के ऊपर कप ज्वाइंट करके आप कैंडल स्टैंड बना सकते हो, पेन होल्डर बना सकते हो, जो हमारा सिल्वर फॉइल का रोल होता है उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये देखिए अब ये मिक्स हो गया, देखिए बिल्कुल व्हाइट हो गया ये, इसका मतलब ये मिक्स भी हो गया है। और जब ये मिक्स हो गया ना, तो इसमें थोड़ा सा हीट निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा गर्म होना, ये क्ले थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि अब ये बिल्कुल तैयार है काम करने के लिए। बिल्कुल रेडी है ये, अब हम इससे काम कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया, कहीं भी डबल शेड नहीं है, जैसे वो पहले मार्बल इफेक्ट आ रहा था दो क्ले जब हमने मिक्स किया था, ठीक है। और फिर से पाउडर लगाना है हाथ पे, और कुछ भी काम करने के लिए हमें चाहिए फेविकोल। फेविकोल हो वही 10 रुपीज वाला भी ले सकते हो, A+ फेविकोल भी ले सकते हो, फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हो। फैब्रिक ग्लू ले सकते हो जो वो स्टोन वगैरह चिपकाते हैं, लेकिन वो ग्लू नहीं ले सकते जो पेपर स्टिकिंग के लिए होते हैं, वो वाला ग्लू नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। देखिए मैं आपको पत्तियां भी बनानी बताऊंगी और फ्लावर्स भी बनाने बताऊंगी कि आप फ्लावर कैसे बना सकते हो। देखो ऐसे फिंगर से ऐसे दबाओगे, एक फिंगर के ऊपर रख के, देखिए यहां से इसको ऐसे, ये रोल किया, ठीक है। ये हमारा सेंटर पार्ट है जो हम रोज का सेंटर पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसके पेटल्स हैं बाहर के, ऐसे गोल गोल पहले पेटल्स बना के रख लेने हैं आपने। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया था एक सेंटर पार्ट, आपने इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ, थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर की तरफ निकालना है, फिर इधर, फिर इसको इधर बाहर की तरफ, देखिए
और ये फिर से बाहर की तरफ, जो एक्स्ट्रा क्ले है ये नीचे, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा क्ले है इसको निकाल लेना है, ठीक है, ताकि वो उसका जो बेस है ज़्यादा मोटा ना रहे। अब हमें चाहिए फैब्रिक को इसको स्टिक करने के लिए। आपने ऐसे फेविकोल लगाना है, जहां भी आपने क्ले को लगाना है, चाहे वो बॉटल है, चाहे वो कार्डबोर्ड है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे लकड़ी का कोई बॉक्स है, तो आपने ऐसे पहले फेविकोल लगाना है इसको लगाने के लिए। मैं आपको पत्ती भी बना देती हूँ इसके साथ में। स्पून से, नाइफ से आप ऐसे डिजाइन इस पे डाल देंगे। और बाद में थोड़ा ऐसे और फिर से साइड पे, जहां भी आपने लगाना है फेविकोल जरूर लगाना है वहां पे। एक इस साइड लगाएंगे, ऐसे जरूर पिए ना, पत्ती को थोड़ी शेप मिल जाती है।
जब आप पत्ती को लगाएंगे थोड़ा उठा के, एक साइड से थोड़ा उठा के, ताकि एक और पत्ती लगा देते हैं इधर। देखिए कैसे बनाना है, ये दोनों तरफ से, देखिए दोनों तरफ से, इधर से पतला है, इधर से थोड़ा, जैसे अच्छा रोलिंग पिन होता है ना, ऐसे सेंटर से मोटा है ये, यहाँ से देखिए, ठीक और इसको ऐसे फिंगर पे ऐसे दबाओगे ना, तो ये शेप आ जाएगी इसकी पत्ती वाले। कि जब बच्चे हाथ स्टिकी हो जाए ना, तो आपने थोड़ा पाउडर लगाना है हाथ पे, ताकि वो हाथ क्ले जो है आपका हाथ पे नहीं चिपके, और इसको ना फिनिशिंग भी मिल जाती है क्ले को। आपने पानी तो यूज करना ही नहीं है इसमें, पानी नहीं यूज करना, ऑयल नहीं यूज करना, क्योंकि अगर ऑयल आप यूज करोगे तो उस पे कलर, जो हम कलर करते हैं ना, तो उसको अच्छे से पकड़ता नहीं है वो, क्योंकि कलर जो है वाटर कलर है, ठीक है, तो इसलिए उसको पकड़ेगा नहीं। एक और चीज मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये तो जैसे हमने कार्डबोर्ड पे करना है और बॉटल के ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं, पत्तियां बनानी हैं, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है जी। और अगर आप पत्थर के ऊपर काम कर रहे हो, स्टोन के ऊपर, तो कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो, इसका टर्टल बहुत सुंदर बनता है पत्थर का ना। उसके लिए हमें एक मोल्डेड जो है और मिक्स करनी पड़ेगी, आपकी अगर क्ले मिक्स होगी ना अच्छे से, तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे। और अच्छा, ये ना क्ले आप लेने से पहले एक बार चेक कर लेना इसको ना, जब आप पैकेट को ऐसे दिखाती हूँ, ये ना कई बार ना एक पार्ट हार्ड आ जाता है, ऐसे ऐसे ना दबा के देखना है इसको, पैकेट को, ये सॉफ्ट रहना चाहिए। इसमें दो पार्ट है, दोनों ऐसे ही ना अंगूठी से और फिंगर से ऐसे दबा के देखोगी, तो ये दोनों सॉफ्ट रहने चाहिए। क्योंकि मैंने आजकल देखा है, जब हम मैंने जब अभी ऑफलाइन वर्कशॉप पिछले मंथ जब की थी, तो उसमें बच्चों ने जब मोल्डेड ली, तो इसका एक पार्ट बिल्कुल हार्ड था, तो वो बहुत टाइम पुरानी रखी रहती है शॉप्स पे, तो इसलिए भी हो जाता है। जब आप अभी इसको खरीदोगे ना, अगर आप इससे काम कर रहे हो और आप खरीद रहे हो इसको, तो इसे चेक कर लेना पहले कि इसके दोनों पार्ट ऐसे सॉफ्ट रहने चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो आपको जब घर आओगे उसको खोल दोगे, फिर वो वापस नहीं लेते हैं बुकशॉप वाले ना, तो फिर वो दिक्कत आती है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए, सॉफ्ट रहेगा तभी तो मिक्स होगा वो एक पार्ट हार्ड होता है ना, वो वैसे उठा के दे देते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता, बेचारे बच्चे फर्स्ट टाइम उसको यूज कर रहे होते हैं कई बच्चे। फिर से पाउडर लगाना है, देखिए सॉफ्ट है ना क्ले, तभी मिक्स होगी, अगर ये सॉफ्ट नहीं रहेगी तो ये मिक्स नहीं होगी। एक पार्ट हार्ड हो रही है आज, क्योंकि सब कुछ बंद था, शॉप्स बंद थी, तो बिल्कुल मटेरियल वैसे ही हार्ड हो गया, बड़ा बड़ा खराब हो गया। वो डेट तो नहीं है उस पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, कोई वैसे केमिकल ही होते हैं, क्योंकि ये रेजन वाला होता है, ये जो क्ले होता है ना, रेजन होता है, रेजन क्ले होता है ये। और आपको ना एक क्ले भी बनाना बताती हूँ, जो बच्चे अगर ये नहीं आप ले रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो,
लेकिन जैसे ये ना वाटरप्रूफ होती है, तो उसमें थोड़ा आपको पानी से बचा के रखना पड़ेगा, जो मैं क्ले बना बताऊंगी आपको, ठीक है? तो अगर आप इससे काम कर रहे हो, इसमें और उसमें तो काफी फर्क होगा, क्योंकि वो हम पानी से बनाएंगे और फेविकोल से, और ये जो है वो रेजिन क्ले है, तो ये पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। जैसे ये पत्थर है तो सेम ऐसा बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ये रेजिन क्ले होता है ये। आपने तब तक इससे काम करना शुरू नहीं करना जब तक ये देखो अभी डबल शेड है ना, जब तक ये पूरा व्हाइट नहीं हो जाए ना। जैसे हम आटा मलते हैं, जितना हम उसको हाथों से मतलब मलते हैं ना, तो उतना वो सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा चपाती भी अच्छी बनती है। इसमें भी सेम है कि आप जितना इसको क्ले को मिक्स करोगे ना अच्छे से हाथों से, तो उतने ही आपकी क्ले भी अच्छी बन जाएगी और आपको काम करने में भी अच्छा, आपका आर्टिकल भी अच्छा बनेगा। ये हो गया हमारा मिक्स, इसमें से हीट भी निकलने शुरू हो गई है थोड़ी। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने इसको ना क्ले को डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में। ये मैंने टर्टल की नेक के लिए, फेस के लिए रख लिया एक, और बराबर के जो हम टर्टल बना रहे हैं इसके ऊपर हम टर्टल बनाएंगे, अभी कछुआ बनाएंगे हम, ठीक है? और ये बराबर के मैंने चार, इसके जो लेग्स वगैरह जो बनेंगे, पैर, छोटे छोटे पैर होते हैं इनके, बिल्कुल वो बनाएंगे, बिल्कुल बराबर के बन तभी बनेंगे जब आप बराबर के सर्कल इसमें गोले बना के रख लो। पहले एक बॉल्स बना लो, ठीक है? ये हमारा नेक हो गया, ये हमारे पैर हो गए, और एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी ना, नाम मात्र से एक टेल होती है, छोटी सी बिल्कुल, तो ये टेल के लिए, ठीक है, डिवाइड हो गया। और ये हमारा जो इसका शेल बनेगा ऊपर, ये उसके लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा इसमें से और अलग कर लेते, थोड़ा सा ये इसमें बाद में यूज होगा, ठीक है जी? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका जो है हम गर्दन बनाएंगे। देखो यहाँ से मैंने पतला रखा है, थोड़ा सा यहाँ से ये मोटा, ये फेस आएगा, ये इसका नेक आएगा, और जहां भी आपने इसको लगाना है ना, वहां फेविकोल जरूर लगाना है, ठीक है? इसमें भी सेम ऐसे हम एक साइड से थोड़े पतले और एक साइड से पैर जो है इनके ऐसे बना के रख लेंगे, और फेविकोल लगाएंगे। नेक को ऐसे फिंगर के साथ पकड़ के रखना है, ताकि वो, क्योंकि क्ले और फेविकोल अभी गीला है तो वो गिर नहीं जाए, या उसको अगर आप रख के बना रहे हो तो सपोर्ट उसको देनी है। इधर भी बच्चे सभी को दिखाई दे रहे हैं ना अच्छे से मुझे? मैम प्लीज बीच में बताते रहिए, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है और विजिबल भी है। थैंक यू मैम।
और ये यहाँ पे एक टेल, और इसके बाद हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे डिजाइन स्पून से, नाइफ से, या कुछ आपके पास ऐसा है तो स्केल के साथ भी कर सकते हैं आप। फिनिशिंग दे सकते हो आप पाउडर लगा के। पानी तो बिल्कुल इसमें यूज ही नहीं करना है आपने, क्योंकि क्ले पानी के साथ काम नहीं करती, और अगर आपकी ज्यादा मिक्स हो गई तो फटाफट उससे काम करना है आपने, क्योंकि चाहे आप फ्रिज में रख दो इसको, बॉक्स में डाल के रख दो, ये हार्ड होगा ही होगा। इसका जो ऊपर का जो शेल है इसके लिए भी फेविकोल लगाएंगे हम यहाँ पे, ये लास्ट में लगाने ताकि वो थोड़ा कवर हो जाए। जो एक और मैंने रखा था थोड़ा सा क्ले, यहाँ गर्दन के पास फेविकोल लगाना है इसके नेक के पास बिल्कुल। जैसे ना ये शेल बना होता है तो उसके अंदर जब इसका नेक चला जाता है, पूरा गर्दन इसके अंदर चली जाती है, वो चीज है। अब क्या इसके ऊपर डिजाइनिंग भी होती है, तो आप किसी भी कोई भी कैप लेके ना, किसी भी चीज को कोई राउंड कैप लेके उसके साथ आप इस पर डिजाइनिंग कर सकते हो। हमारे पास ये है ठीक है। फिर इसके बाद इसको आपने जब कलर करोगे ना, आप कौन सा कलर करोगे, ब्लैक करके और ग्रीन भी कर सकते हो, या सिर्फ ग्रीन करके और उसके ऊपर येलो के साथ शेडिंग भी कर सकते हैं।
डैडी है हमारा टर्टल, ये पत्थर के ऊपर बनाया है हमने, तो आप स्टोन के ऊपर आप कुछ भी ऐसी चीजें, लेकिन उसका ना एक शेप, जैसे इसमें शेप था ये थोड़ा ना गोल था, फ्लैट था, तो रखने में भी जैसे ये रखा जाएगा ना अच्छे से, देखिए ऐसे हिलेगा भी नहीं। और कुछ भी आप ऐसा बना रहे हो किसी पत्थर के ऊपर, सबसे पहले आप उसका शेप मतलब यहाँ रखो कि भाई कौन सी शेप है, हम इसके ऊपर क्या बना सकते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आप इस पे जो बना सकते हो क्ले के साथ, ठीक है। और अगर आप ये सब चीजें नहीं बना सकते, जैसे ना छोटे बच्चों को हम स्नेल वगैरह बनवाते हैं, फिर स्नेल फैमिली बनवाते हैं, तो कोई छोटे छोटे पत्थर, अच्छा इसमें भी ऐसे कर सकते हो आप, आगे ये बड़ा टर्टल है, पीछे छोटे छोटे दो तीन टर्टल इसके पीछे चले जा रहे हैं, आप गार्डन में रख सकते हो, आप अपने टेबल पे रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, आप इसको एज अ पेपर वेट यूज कर सकते हो, कोई भी अगर आप स्टोन के साथ आप कोई चीज बना रहे हो, पत्थर के ऊपर आप फेस भी बना सकते हो, फेस वगैरह, या गणपति जी का फेस बना सकते हो, ठीक है। और ये टर्टल फैमिली होगी, स्नेल स्नेल फैमिली होगी, लेडी बग हो गया, मतलब ये सब आप बना सकते हो, और इसको गार्डन में भी रख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसको कलर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, इसमें पहले आप ग्रीन करके और या तो गोल्डन उसके ऊपर से कर सकते हैं या येलो कर सकते हैं, क्योंकि टर्टल एक कलर का नहीं होता, गोल्डन भी होता है, ठीक है। और ऑरेंज ब्राउन लुक और ग्रीन थोड़ा येलो सा मिक्स सा एक लुक होता है, ठीक है जी, वो सब कलर भी कर सकते हो। और शेडिंग वगैरह कैसे करनी है, मैंने कुछ बना के रखा हुआ है और उस पर ब्लैक करके रखा हुआ है, कलर वगैरह कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक दो चीजें और दिखानी थी और कलर करना भी बताऊंगी मैं अभी आपको, ये देखिए एक तो ये चीज है मैम, बिल्कुल सीधे है ना, आपकी तरफ से मैम ठीक दिख रही है, जी जी मैम, मैम, जी मैम ठीक दिख रहे हैं। ठीक है जी। और एक ये है हमारे पास, ये इजिप्शियन एक, अभी मैंने इसको बना के ही रखा हुआ है, अभी इसको सिर्फ ब्लैक किया है, इस पर कॉपर और गोल्डन का एंटीक लुक कैसे करते हैं वो मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी। ये इजिप्शियन एक गॉड जिसको वो बोलते हैं जी, इजिप्ट का एक गॉड है ये, तो उनका मैंने बना के रखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कलर कैसे करना है। एक ये विंटेज का डायरी कवर के ऊपर हम इसको लगाते, जो विंटेज डायरी बनाते हैं हम, कोई भी आपने डायरी ली है पुरानी, जो आपकी डायरी होगी है, आपने कुछ अपना लिखा हुआ है उसमें, पोएम्स लिखे हुए या कुछ भी आपको शौक है लिखने का, तो उसके ऊपर हम एक विंटेज डायरी जो बनाते हैं उसके कवर पे लगाते हैं, इसको भी मैं आपको कलर करना बताऊंगी कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने, ये वेस्ट मटेरियल में, ये भी वेस्ट मटेरियल का आर्टिकल है, ये क्या था, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, या मैंने इसको कैनवस पे करके दिखाया था बच्चों को, जैसे ना हमारी डायरी में या कोई कैलेंडर होता है, हमारा कैलेंडर फट गया है, ठीक है, तो जो फट गया है वो पार्ट, ये इसमें काफी विद था, पीछे यशोदा मैया बैठे हुए थे, साथ में इधर नंदलाल जी और गैया भी बैठी हुई थी, तो ये लेकिन ये फट गया था, तो मैंने क्या किया, जो कान्हा जी का था पूरा इतना इतना निकाल लिया, उसको क्ले से, जैसे मैंने ऐसे बाती बनाया था ना, ऐसे बाती बना के यहाँ पे लगा के और उसको ऐसे फिंगर के साथ ऐसे दबाते हैं, ये भी सारा मैंने क्ले लगा के और पेन के साथ डॉट, पेन का रिफिल वो निकाल के पूरा, और उसके साथ ये डॉट्स लगाए हुए हैं, तो ये भी हमारा वेस्ट मटेरियल में आता है। आपको कोई कैलेंडर है, जैसे हम कैलेंडर फट गया तो हम नहीं रखते हैं ना उसको, हम फेंक देते हैं उसको, लेकिन आप ऐसे छोटा ही नहीं, आप बड़ा आर्टिकल भी बना सकते हो वॉल के ऊपर भी, मतलब वॉल के लिए बड़ा कैनवस लेके उसके ऊपर भी बना सकते हो, और ये आप कार्डबोर्ड पे भी कर सकते हो, आप ये प्लाईबोर्ड पे भी कर सकते हो, कोई भी बेस, आजकल वो पीवीसी पैनल्स जो, जैसे मेरे घर में भी पैनल लगे हुए हैं, ये पैनल जो बच गए थे, हमने इसके ऊपर भी काफी चीजें बनाई हैं, जो टुकड़े बच जाते हैं उसके पीवीसी पैनल के ऊपर भी आप ये चीज बना सकते हो। और अगर आपके पास क्ले नहीं है ना, अगर आपके पास ये काम करने के लिए क्ले नहीं है, कल मैंने एक आपको वो वॉल पुट्टी वाला बताया था, ठीक है, वॉल पुट्टी वाला भी आप साइड पे ऐसे वॉल पुट्टी का पूरा डाल के यहाँ पे, चाहे आप वो एक क्ले बनानी, बताऊंगी मैं अभी आपको कि कैसे बनती है, तो वो लगा के यहाँ पे और वॉल पुट्टी का
यहाँ पे घोल डाल के उसमें भी ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हो। और जब वो ड्राई हो जाएगा पूरा वॉल पुट्टी, मतलब ज्यादा नहीं है तो 1 घंटे में वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो आप वॉल पुट्टी के साथ उसको टेक्सचर भी दे सकते हो, आप उसके बाद उसको कलर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी, इससे भी मतलब अच्छा इफेक्ट आता है उसका। एक मैंने ना ये बॉटल बनाई हुई है, देखो काफी, देखिए बच्चे आपको, ये मेरी बहुत पुरानी बॉटल है। ये मैंने ना इस पे, ये देखो स्पाइडर्स, ये पूरा एक जाल बना के, और ये मैंने ऊपर कप जॉइंट किया हुआ, इसको ना कैंडल स्टैंड बनाया था मैंने। ये भी एंटीक बॉटल है, इस पे मैंने वार्निश भी किया है इसलिए ये शाइन भी कर रहा है। तो वार्निश करने से ना थोड़ी ग्रेस भी आ जाती है। और देखो इसको कम से कम ना 8 साल हो गए इस बॉटल को, बहुत बड़ी बॉटल थी ये। ऐसे कैंडल स्टैंड आप इसको यूज कर सकते हो। ये सब क्ले से किया हुआ है, वही जो मोल्डेड वाली क्ले है वो वही से किया, वो उसी से किया हुआ है। मैं आपको कलर करना बताती हूँ। ये है गोल्डन कलर्स, सिल्वर कलर, ये देखिए गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, कॉपर कलर और रेड कॉपर, ठीक है। ये कलर्स जो आप कर सकते हो, ये मेटालिक कलर वैसे आपको ग्रीन में भी मिल जाता है, मेटालिक रेड में भी मिल जाएगा, ब्लू में भी मिल जाएगा मेटालिक में, ठीक है। और पर्ल कलर्स भी, जैसे ये थोड़ा ज्यादा शाइनी होते हैं, एक पर्ल कलर्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट और शाइनी होते हैं वो, ठीक है। वो कलर्स भी आपको इनमें मिल जाते हैं ऑप्शन में। आपने फ्लैट ब्रश लेना है एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा या कोई भी पेपर, इसके ऊपर डालने का पर्पस क्या है कि या तो आप सिर्फ डस्ट से काम कर रहे हो, डस्ट, इसका डस्ट भी आता है, गोल्डन या कॉपर का डस्ट भी आता है, ठीक है। जो हम साइंस वाले बच्चे होंगे ना उनको पता भी होगा कि उसको जैसे हम वार्निश और वो तारपिन ऑयल बना के और परमानेंट, वो तो बहुत अच्छा होता है वो बनाते हैं ना। तो ये क्या है, ये हमारे फैब्रिक कलर्स जो है, जो अक्रैलिक कलर्स है ये वाले, तो ये हम नॉन फैब्रिक पे, मतलब ये जो हम, ये हमारा नॉन फैब्रिक काम है, जो हम ये कर रहे हैं चाहे हम पॉट पे कर रहे हैं उस पे भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चल बाद में इसको वार्निश करना ही करना है, वो इसीलिए, एक तो हम वो जो कलर बनाते हैं डस्ट के साथ वो वार्निश मिला के बनाते हैं, इसको हम करते हैं फिर हमें वार्निश करना ही करना है। तो मतलब वार्निश तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको करके रख दोगे ना इसको, तो इसकी थोड़ी ग्रीस भी कम हो जाती है और थोड़ी डल हो जाती है ये करने के बाद, डस्ट जितना इस पर डस्ट पड़ेगा तो डल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वार्निश करके रख दोगे, इसको वॉश कर लोगे पानी के साथ, तो भी मतलब उसका वैसे के वैसे ही रहेगा, डस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। ये ना मैंने कार्डबोर्ड इसीलिए लिया है ताकि वो जो उसका एक्स्ट्रा जो इसमें मीडियम है वो उसको सोक कर ले, ठीक है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ डस्ट चाहिए, ऐसे हल्के हाथ से जब हम एंटीक का लुक दे रहे हैं तो हमने बेस इसीलिए ब्लैक किया है ताकि वो कहीं कहीं पे उसका ब्लैक रह जाए, ठीक है। तो पूरा उसमें ऐसे 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 करके करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे देखो इसमें जैसे ही ना ये ब्लैक रह गया है, ये एंटीक सा लुक देना है हमने।
आप इसको कॉपर में भी कर सकते हो और गोल्डन में भी कर सकते हो, सिल्वर में भी कर सकते हो। गोल्डन और कॉपर में ज्यादा चलता है ये वाला ना एंटीक। देखिए कहीं कहीं पे जो रह गए हैं, जैसे इसी को एंटीक लुक बोलते हैं, जैसे हमारा कोई पुराना बर्तन होता है या कोई पुरानी पीतल की कोई मूर्ति होती है या गोल्डन की, तो उसमें होता है ये। इसमें मैं आपको कॉपर करके दिखाऊंगी। आपको भी सेम ऐसे ही थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल अगर आप ये दुपट्टे पे कर रहे हो ना, बहुत अच्छा इसका कलर आता है दुपट्टे पे। जैसे वो स्टेंसिल वाले मैंने रोजेस, और या सिर्फ पूरे दुपट्टे पे ब्लैक दुपट्टा है और पूरी सिर्फ पत्तियां पत्तियां भी बना रहे हो या सिर्फ रोज रोज बना रहे हो, तो फिर बहुत सुंदर इसका लुक आता है दुपट्टे के ऊपर। इसको ब्रश को आपने फिर से वॉश करना है अच्छे से, इसको कलर निकाल के देखेंगे। अब जो स्टोन लुक जो होते हैं कि स्टोन लुक कैसे देते हैं, जो पत्थर वाला लुक होता है, ब्लैक करेंगे और ब्लैक के ऊपर हम जो उसमें जितना आपका ब्रश पुराना रहेगा ना, ये पुराना ब्रश होना चाहिए रफ बिल्कुल, जैसे ये तो नया ब्रश। ये देखिए बिल्कुल ना थोड़ा नया ही है ब्रश, 2 3 बार यूज किया मैंने, लेकिन उसमें जितना आपको पुराना ब्रश रहेगा ना रफ, बिल्कुल रफ ब्रश जो होता है, तो उतना अच्छा उसका लुक आता है। उसको भी आपने ऐसे थोड़ा ड्राई लुक, इसमें ड्राई ब्रश बिल्कुल ड्राई ब्रश लेना है आपने, मतलब जो आपका कलर है वो वाटरी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ना कलर होना चाहिए उसमें, बट वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सा होना चाहिए, जो तो बोलते हैं ना स्टोन लुक, ये वही वाला है स्टोन लुक। इसमें हम मैट कलर्स करते हैं ऊपर से, जैसे पहले मैंने गोल्डन या कॉपर आपको करके दिखाया है। मैंने इसमें येलो
बिल्कुल हल्के हाथ से। ये हमारा हो गया स्टोन लुक, ये कॉपर और ये गोल्डन। ये क्लीन जो कलर जो शेडिंग करनी है कैसे, आपने ब्लैक करके, इसका बेस तीनों का ब्लैक ही रहेगा, ये वो चीज है। और जो हमने ये बनाया था ना, सबसे पहले बनाया था ये, तो इसको कैसे करना है वो भी बता देती हूँ आपको साथ के साथ। मैम टाइम है ना हमारे पास, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स है आपके लिए। जी बच्चे इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ इसको, ये रेड है हमारा, मैंने इसके लिए मैंने राउंड ब्रश लिया है। ये मैम ये 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है टाइम बढ़ाने के लिए, या उसी में अभी चलता रह गई है 5-10 मिनट? हाँ नहीं मैम, चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओके जी। हाँ जी मैम। मैम ये क्या है? अच्छे फ्लावर कलर करना बता रही हूँ आप, अगर फ्लावर ना भाई, बना सुनी रहे हो, है फ्लोरल वर्क ना कर रहे मैम, हो, तो उसको कैसे करना, कलर करना ये है? आपने कार्डबोर्ड के ऊपर बनाया है? हाँ जी बच्चे, ये सिंपल, सिर्फ मैंने ना ये कार्डबोर्ड जो यूज किया है ना, वो सिर्फ इसलिए किया कि आप इसको फ्लावर्स वगैरह कैसे बना सकते हो, पत्तियां कैसे बना सकते हो। आप बॉटल के ऊपर भी बना सकते हो, पॉट के ऊपर, घर में कोई मटकी रखी है मटकी के ऊपर भी बना सकते हो। ये तो मैम ऐसा आपने कोई, ग्लू के हाँ साथ चिपकाए हैं ना? जी बेटा, आपने अभी ज्वाइन किए क्या? नहीं मैम, ये वाला नहीं देखा था मैंने, बाद में थोड़ी थोड़ी देर में ज्वाइन किया था इसको। अच्छा हाँ जी, ये फाविकोल के साथ ही चिपकाना है बच्चे आपने ना, कोई भी आप उसके क्या लिए। बच्चे आर्टिकल पूछ रहे हो कि आर्टिकल क्या बनाया हमने? ये सिंपल, हाँ सिर्फ जी मैंने मैम, मैंने आपको आपने ज्वाइन, मुझे पता नहीं था। ये सिर्फ मैंने फूल और पत्तियां कैसे बनानी है, लीफ कैसे बनानी है ना, तो रोज कैसे बनाना है, सिर्फ ये बनाना बताया था आपको। ठीक है, और एक टर्टल बनाना बताया था जो ये है, ये देखा था? नहीं मैम, ये भी नहीं देखा। देखा है मैम ये तो। चलो बच्चे, आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मे भी आपको ना रिकॉर्डिंग है मैम के पास। ओके मैम, भेज देना। हाँ बच्चे जी आप लोगों को बच्चे, मैम की यूट्यूब चैनल का लिंक भी और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ओके मैम।
जो हमने रेड किया था उसके ऊपर थोड़ा व्हाइट के साथ। ठीक है ऐसे। ठीक है मैम मेरी तरफ से हो गया मैम। अगर कोई बच्चा कुछ ओके पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। किस चीज पे बनाया हुआ है ये मैम? बच्चे ये तो मैंने ना छोटा सा एक कार्डबोर्ड लिया है ठीक है ओके उसके ऊपर बनाया है। आप टाइल के ऊपर भी बना सकते हो। जो फ्लोरल टाइल्स होते हैं आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। मैम, जो आपने अच्छा कल बाकी सिखाया कोई? था वो मैंने बनाया है। अच्छा हाँ जी ओके दिखाओ बेटा मेरे को रानी। ना सेंड। हाँ जी मैम आप अभी देख सकते हैं। और मैम थोड़ा ना वो बेबी मेरा रो रहा है छोटा। ओके 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 मैम ओके मैम, कोई बात नहीं मैम। ये आप लोगों, आप जो आप लिंक मुझे सेंड देंगे कर सकते हैं। मैम, आप जो लिंक देंगे सबमिट करने के लिए, बच्चे उस पे सबमिट कर देंगे, नो इश्यूज। मैम हाँ वो जो लिंक है ना वो सिर्फ इनके सर्टिफिकेट के लिए है। आप मुझे व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैम इनको दे दीजिएगा आप। ओके ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू बेटा मैं सो मच सेंड मैम। करवा साथ में दूंगी है मैम, जी मैं सेंड करवा जी दूंगी, कोई इशू नहीं है। जी जी मैम मैम, अब 99888668 मेरा नंबर है, मैम से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है तो आप ठीक है मैम, उस पर बनाया मुझे। सलोनी, बहुत अच्छा बनाया बेटा आपने, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। थैंक यू मैम। हाँ हमने लिप्पन आर्ट सभी बहुत सुंदर है बच्चे। लिप्पन आर्ट बनाया आपने? यस मैम। वेरी गुड, बहुत सुंदर आया है ना ये आपका। थैंक यू मैम। मैम ये वेरी सभी ने गुड, बनाया सभी ने बनाया। वेरी गुड, दिखाइए कौन कौन है। मैम, ये नहीं मैं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ सभी ने बनाना है ना, मतलब सभी ने हाँ जी हाँ बनाना जी हाँ जी सभी ने बनाना है ये। ये जो आपने 3 दिन में सीखा है ना आपने सबने बनाना है ये। मैम। मैंने तो आज ज्वाइन किया, कल भी मेरी क्लास नहीं लगी थी। मेरी हाँ जी ना कई दिन से क्लास नहीं लगी थी, तो मुझे पता नहीं था, तो आज मैंने देखा, मतलब मुझे फिर भी समझ सी नहीं आई आपने कैसे बनाया, बाकी मैं बना सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम आपको जो चीजें मैम ने बनाई रिकॉर्डिंग मिल हैं वो जाएगी बच्चे आपको आपको शेयर कर ना। दी जाएगी, आप उस पे देख लेना दोबारा से और आप सीख सकते हो। ओके मैम और थैंक यू। मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चे पेंट ब्रश एकेडमी के नाम से, आप उस पे भी जा सकते हो। वहां से भी आपको कई चीजें मिल जाएगी। ओके मैम, बच्चे जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है उनके लिए भी मैम का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, वहां से देख के सीख सकते हाँ जी हो। हाँ जी और आपको ये बनाने के लिए 3 दिन का टाइम मैम आपको दे रही है, तो 3 दिनों में आपको ये बनाना है, उसके बाद आपको मैम के पास ये सबमिट करना है। मैम जो आपने मैम ब्लैक एक कलर बार किया था प्लीज वो आप कौन से वाला? सबका। बच्चे ब्लैक वही जो मैंने कलर्स आपको दिखाए थे ना पहले दिन, ये वही वाले कलर्स हैं। जी मैम, देखिए ओके मैम मैम एक बार प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि हम एक स्क्रीनशॉट जरूर ले पाए, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सब अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। बच्चों अपना कैमरा प्लीज ऑन करो। मैम संतोष मैम, जी मैम। आप भी प्लीज एक बार कैमरे के सामने आ जाइए मैम, ताकि एक पिक हम जरूर आपके साथ ले पाए। ओके मैम मैं स्टैंड से हटा लेती हूँ मैम अपना कैमरा। जी मैम ओके जस्ट वेट अ मिनट। क्या करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोमल मैम कैरी ऑन। ओके जी जी मैम।
मैम संतोष मैम, बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी इस वर्कशॉप में। बच्चों के चैट बॉक्स में भी लगातार मैसेजेस आ रही हैं, सो नाइस, वाओ मैम, वेरी नाइस। और जैसा कि हमने देखा, काफी बच्चों ने आपसे नॉलेज गेन करके काफी बच्चों ने ट्राई भी किया। ये तो मैम जी फिर से एक मैम, आपने आइडिया दिया बच्चों को। इसके साथ साथ बच्चों, आप लोग अपनी क्रिएटिव इमेजिनेटिव स्किल्स, अपनी स्किल्स का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं। और बहुत ही इस तरह से भी मैम ने हमें सिखाया कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कैसे हम एक वेस्ट मटेरियल से, जो चीजें हमें लगती हैं हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कैसे हम उसे यूजफुल चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू संतोष मैम, अपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे बच्चों के लिए निकाला, और आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज हम लोगों को दी। थैंक यू वंस अगेन मैम। साथ ही मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपनी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मीनाक्षी मैम का। हमेशा की तरह इस वर्कशॉप के भी पीछे वो हमारे गाइडिंग फोर्स रहे हैं। आज मैम कुछ इम्पोर्टेंट काम होने की वजह से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाई, बट जैसा कि हम सबको पता है कि मैम की बेस्ट विशेज, मैम का मार्गदर्शन, सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। थैंक्स टू बिरिंदर मैम, चीफ प्रॉक्टर ऑफ द कॉलेज, पूनम बागी मैम फॉर गाइडिंग अस, फॉर मोटिवेटिंग अस। थैंक्स टू श्रेष्ठा मैम, कन्वीनर ऑफ द वर्कशॉप, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिन्होंने इस कोविड के टाइम में इतना रेलेवेंट टॉपिक बच्चों के लिए चूज किया। कैसे बच्चे अपना टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे बच्चे अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोइट कर सकते हैं, जिस पोटेंशियल के बारे में उनको पता भी नहीं है, कैसे वो जस्ट एक गाइडिंग फोर्स की हेल्प लेकर, एक नॉलेज की हेल्प लेकर अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। थैंक्स टू विनय सर ऑल्सो फॉर योर टेक्निकल सपोर्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक यू करना चाहूंगी आप सभी बच्चों का, जिन्होंने इस वर्कशॉप को इतने पेशेंटली अटेंड किया, इस वर्कशॉप में अपना इंटरेस्ट दिखाया। वंस अगेन थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना, आपके सपोर्ट के बिना तो इस वर्कशॉप का सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं था। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स संतोष मैम वंस अगेन, वी विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल विद दिस वर्कशॉप। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत ही प्यारे थे, और मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, पर मतलब जितने आराम से वो सुन रहे थे, मुझे मतलब चूंकि भी आवाज नहीं आ रही थी, एकदम साइलेंट। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट और दिखाया अच्छे मैम, से बहुत। जी मैम, थैंक बहुत यू अच्छे सो से। मच और मैम, मैम प्रिंसिपल मैम को भी मैम थैंक यू कहिएगा, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है मैम से, तो हाँ जी फिर मैम, से मैम हम डेफिनेटली मैम, पिडिलाइट की तरफ से बहुत थैंक यू सो अच्छा मच मैम। वर्कशॉप रहा। जी मैम, और मैम आपको लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपके पास भी सबमिशन आती हैं बच्चों के, तो ओके जैसे जैसे ओके, सबमिशन आएगी आप उनको वो लिंक शेयर करते रहिएगा, श्योर जो मैम, श्योर। सर्टिफिकेट का है बच्चे। आपने करना क्या है, आप अपना नेम डालेंगे उसमें, और एक दो क्वेश्चंस होंगे कि आपको वर्कशॉप कैसा लगा, क्या रहा, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और साथ में एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा उसी के साथ में, आप उस पर क्लिक करोगे, आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा साथ के साथ। थैंक यू संतोष मैम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।